asalamu As alaikum to all my listeners i hope everything everyone is enjoying good health and all the blessings of almighty allah here is a topic to discuss today related to your book two prose essays the very first prose essay the dying sun that is the composition of James Hopewood Jeans. His lifespan is from 1877 to 1946. Before discussing the main text, let's have the idea about author and this uh, title The Dying Sun. So, author James Hopewood Jeans. Jeans was an English physicist astronomer mathematician and writer he educated at cambridge and princeton university he was knighted in 1928 because of his uh, remarkable ideas theories that published in form of books this title the dying sun is actually a theory i mean जैसे थे दी जाती हैं साइंस के अंदर बिल्कुल ऐसे ही ये एक थेरी प्रेजेंट की गई है प्रेजेंटेड इन द मिस्टीरियस यूनिवर्स ये उस बुक का नेम है जिसके अंदर डाइंग सन को प्रेजेंट किया गया है दिस बुक द मिस्टीरियस यूनिवर्स वाज पब्लिश्ड इन 1930 तो इसका मतलब ये है कि हम टू समाउ आउट ऑफ डेटेड आइडियाज पास्ट आइडियाज जो है वो डिस्कस करने लगे हैं अबाउट दिस लेसन आउटलाइन में देखना पॉइंट्स को करना तो उसके लिए एक अपने में बनाया जा सकता है जैसे कि दिस एसे बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल ओपिनियनिस इमेजिन्री आइडियाज आर डिस्कस्ड एज है राइटर की कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है सॉलिड लॉजिकल पॉइंट्स नहीं डिस्कस किए गए किस हवाले से ये हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन या ओपिनियन है दैट द अर्थ केम इनटू बीइंग बाय चांस जेम्स जेम्स के ख्याल में ये जो अर्थ की फॉर्मेशन है ये बाय चांस हुई है। अब बीइंग के मुस्लिम तो हम जानते हैं कि ये जो क्रिएशन है ये जो फॉर्मेशन है चाहे वो यूनिवर्स है चाहे वो सोलर सिस्टम है अर्थ है ह्यूमन है ऑल आर वेल प्रोसेस लेकिन अभी हमने जो आइडियाज पढ़ने वो तो एक नॉन मुस्लिम के नॉन मुस्लिम के पढ़ने सुदेपोर so उनके पास ऐसी कोई सॉलिड बुक uh, नहीं है कुरान पाक की तरह से जिसके अंदर से वो एग्जैक्ट आइडियाज या अपना आंसर ले सकते तो वो क्या करते हैं एजम्पन्स देते हैं तो ये एक एजम्पन पर बेस करता हुआ लेसन है द राइटर जेम्स जीन्स सपोर्ट्स द बिग बैंग थ्योरी इन डीट बिग बैंग थ्योरी का ताल्लुक किससे है ये जो हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन है उसके हवाले से इसमें बात की गई थी और हमारा जो राइटर है वो भी इसी की फेवर में है इट इज एन इमेजनरी आर्टिकल ये जो आर्टिकल ये ऐसे है ये बिल्कुल इमेजनरी कॉन्सेप्ट पर बेस करता है लेकिन हमने जो के में से अपने पेपर की के लिए लेने तो जल्दी से एक इसका इसकी आउटलाइन बना लेते हैं कि वन आफ्टर एन अदर हमें किन मेन पॉइंट्स को स्टडी करना होगा सो दिस लेसन कवर्स साइज एंड नंबर ऑफ स्टार्स देन डिस्टेंस एट मूवमेंट ऑफ स्टार्स इसके बाद राइटर बात करता है फॉर्मेशन ऑफ आर सोलर सिस्टम ये जो फॉर्मेशन ऑफ आर सोलर सिस्टम का प्रोसेस है इसी को राइटर ने द दा डाइंग सन के टाइटल आ, के तौर पर प्रेजेंट किया है Later on, beginning of life on Earth से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की गई है फिर जब लाइफ की appearance हुई, human beings, uh, का start हुआ है, तो उनके लिए जो purpose of life, uh, था उसमें द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग व्हाई इट इज फ्राइटनिंग डिस्कस इन डिटेल इन द टेक्स्ट Then James Jeans has also pointed out that the life of human beings is not possible in any other uh, plan of this universe. Because temperature of space is so cold, life uh, would be frozen, and temperature of stars and other heavenly objects is so hot that life would be burned.

फाइनल बोर्ड पेपर में प्रेजेंट किया जा चुका है सो so देयरफॉर ये तमाम जो वर्ड्स हैं लाइफ जोन नरो बैर टेंपरेचर बैर्स ये क्या है ये यूनिवर्स के अंदर कहां पर होती हैं और इनकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन uh, है वो तो हम यकीनन टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो चलिए टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं अ फ्यू स्टार्स आर नोन व्हिच आर हार्डली bigger than the earth बट मोस्ट ऑफ देम are so large that hundreds of thousands of thousands be packed inside each and leave room to spare. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये एक कंप्लीट पिक्चर है तो पूरी यूनिवर्स के अंदर नंबर लेस लेस स्टार्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनका साइज बहुत लार्ज है सिर्फ अफ्यू आई I मीन mean, माइनर चंद एक ऐसे होंगे जो कि हार्डली बिगर हों देन द अर्थ हार्डली मतलब स्केयर्सली जो कि हार्डली स्केयर्सली अर्थ के साइज uh, से थोड़े बहुत बड़े हैं बट मोस्ट ऑफ देम मगर ज्यादातर स्टार्स कैसे लार्ज इनफ इन साइज उनका साइज इतना बड़ा है जैसे कि इस पिक्चर में आप थोड़ा सा अगर आइडिया लेना चाहें इतना बड़ा साइज होता है एक स्टार का कि उसके कंपैरिजन में जो माइनर डॉट है अगर हम इसको अर्थ कंसीडर करें तो ये इतना छोटा अर्थ का साइज है कि एक पूरे स्टार के अंदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ को पैक किया जा सकता है पैक मतलब फिल किया जा सकता है इनक्लोज किया जा सकता है एंड और ये जो ऑफ थाउजेंड्स अगर ये उस एक स्टार के अंदर पैक भी कर दी जाएं, even then, वहां पर क्या होगा लीव रूम टू स्पेयर रूमिन स्पेयर प्लेस फिर भी वहां पर स्पेयर प्लेस बच जाएगी इतना बड़ा होता है एक स्टार अगर उसके साइज को कंपेयर किया जाए अर्थ के साइज से

मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ कि उनमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ की बात नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ अर्थ को भी पैक किया जा सकता है तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं नंबर साइज़ ऑफ़ ऑफ़ स्टार्स स्टार्स अब हम बात पढ़ेंगे नंबर की जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस टेक्स्ट में से जो प्रिपेयर करने वाला होगा वो साइज एंड नंबर ऑफ स्टार्स के हवाले से है और उसकी तमाम इंफॉर्मेशन आपने जो कि टेक्स्ट के मेन पॉइंट से लेनी होती है सो डोंट फॉरगेट कि अब मैं आपको साइज के बाद नंबर ऑफ स्टार्स की डिटेल बताने लगी

बैंक है रिवर बैंक है उनमें जितनी भी सैंड है अगर उस सब को किसी एक जगह असेंबल किया जा सके अबल तो यही पॉसिबल नहीं लेकिन अगर ऐसा किया जा सके और फिर उसके बाद जो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको कोई पर्सन काउंट करना चाहे तो जितना इम्पॉसिबल उनकी काउंटिंग है जितने अनलिमिटेड वो पार्टिकल्स हैं उतने ही अनलिमिटेड स्टार्स हैं इस पूरी यूनिवर्स के अंदर इस यूनिवर्स के अंदर स्टार्स हैं और स्टार जो है उनकी जो कलेक्शन होती है वो गैलेक्सी की फॉर्म में होती है तो नंबर लेस गैलेक्सीज़ वर्क कर रही है इस यूनिवर्स में गैलेक्सीज का जो कम्बिनेशन है वो क्लस्टर्स बनाता है क्लस्टर्स भी अनकाउंटेबल है इस यूनिवर्स में और क्लस्टर्स के की कलेक्शन को सुपर क्लस्टर्स कहते हैं इवन आज तक की साइंस की एडवांसमेंट के बावजूद उन सुपर क्लस्टर्स को भी काउंट नहीं किया जा सकता सो हाउ इज इट पॉसिबल के हम नंबर ऑफ स्टार्स के बारे में कोई एग्जैक्ट फिगर बता सके आई होप सो कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ सही से समझ में आ गया है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हम अब बात करेंगे डिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ स्टार्स के हवाले से तो देखते हैं कि क्या डिस्क्रिप्शन दी गई है सच इज द लिटिलनेस ऑफ आर होम इन स्पेस व्हेन मेड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स अगर हम पूरी यूनिवर्स के जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं मैटर्स हैं उनके साइज को कंपेयर करके देखें तो जो हमारा होम है ना हमारा आर होम मतलब अर्थ ये जो हमारा प्लेनेट अर्थ है जिसको होम कहा गया है ये अपने साइज में क्या है लिटिलनेस लिटिलनेस के लिए वर्ड स्मॉल है।, है।, है आपके सेनानिम के हवाले से वॉन्ड्रिंग वॉन्ड्रिंग मतलब रोमिंग मूविंग एमलेसली आई मीन किसी ऐसी ऐसी मूवमेंट जिसमें ना तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है ना कोई पर्पज होता है तो मिलियंस ऑफ स्टार्स जो है वो यूनिवर्स के अंदर क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं एम लेसली विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन और ऑर्बिट किसी खास रास्ते पर नहीं बल्कि रेंडमली मूव कर रहे हैं अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स इनमें से चंद एक स्टार ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म मतलब मेक ग्रुप्स जो ग्रुप्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं विद जर्नी जर्नी मतलब ट्रेवल इन कंपनी जो जो कंपनी टुगेदर जो कि टुगेदर यानी यूनिटी की फॉर्म में एक दूसरे के साथ ट्रेवल करते हुए नजर आते हैं बट मोस्ट ऑफ देम मगर ज्यादातर स्टार्स कैसे हैं ट्रेवल अलॉन आई मीन आइसोलेशन में है वो अः अलग अलग से ही सेपरेट होकर ही ट्रेवल करते हैं वो कंपनी में ट्रेवल नहीं करते एंड दे ट्रेवल थ्रू आर यूनिवर्स सो इमेंस अब अभी तक हमने ये आइडिया किया के स्टार्स का साइज भी बहुत बड़ा और फिर उनउंट भी नहीं किया जाता उनकी नंबर ऑफ स्टार्स भी इतने ज्यादा तो जिस जगह पर यह है यूनिवर्स कह लें स्पेस कह लें कॉस्मस कह लें जिस जगह पर यह है वो कितनी बड़ी जगह है सो इमेंस इमेंस मतलब Large, enough, चुके इसको पहले पढ़ तो से कर सेल्डम इवेंट होगा इन डीड फॉर वन स्टार टू कम एनी वे नियर टू एनदर की एक स्टार रेंडमली मूव करता हुआ ब्लाइंडली मूव करता हुआ किसी दूसरे स्टार के करीब आए ऐसा भी नहीं होता और ये किस तरह से हम समझ सकते हैं मतलब कैसे पॉसिबल है कि इतने बड़े बड़े साइज के स्टार्स रैंडमली वो मूव करते हों ना उनकी कोई डायरेक्शन है और फिर वो हैं भी इतने ज्यादा तादाद में और एक दूसरे के करीब नहीं आते इस चीज को उसने फर्दर अपने व्यू पॉइंट के साथ एक्सप्रेस किया है अपना वोइज यानी कि अपना जर्नी अपनी ट्रेवलिंग को कम्प्लीट करता है जस्ट लाइक अट उसको उसने हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए रिजेंबल किया है सिमिली के तौर पर शिप से रिलेट कर दिया ऑन एन एम्टी ओशन अब हमें पता है कि इस आ, अर्थ पर हमारी सबसे ज्यादा जो मैसिव वाटर बॉडीज हैं अपने आ, ज्यादा एरिया को कवर करने के वाले सिर्फ ओशन होते हैं जैसे कि हमारे पास बहुत सारी है ना ब्रुक्स हो गई कनेल्स हैं रिवर्स हैं सीज हैं उनमें सबसे जो अः स्पेशस वाइड एरिया कवर करने वाली वाटर बॉडी होती है उसको ओशन कहते हैं अगर एक पूरे ओशन पर सिर्फ एक ही शिप हो ठीक है जिसको जो स्टार इनके जिसको हम कह रहे हैं तो फिर वो जितना भी जैसे कि इस पिक्चर में इस पूरी सी में एक ही शिप है ये जितना मर्जी अपनी डायरेक्शन अपने अपने स्टाइल को चेंज करे ये किसी दूसरे के करीब जाएगा कैसे जब इसके करीब कोई और स्टार ही नहीं है इस बात का क्या मतलब है इसका मतलब है कि एक स्टार का दूसरे से डिस्टेंस इतना ज्यादा है कितना डिस्टेंस है वो भी आके आप पढ़ लेते हैं द एवरेज शिप एवरेज मीन जो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड या डिग्री है ना कैलकुलेशन मेजरमेंट के हवाले से आ, स्टार, एक स्टार के दूसरे स्टार के डिस्टेंस में वो कितनी है बी वेल ओवर आ मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर वो नियरेस्ट नेबर जिसमें मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितना होगा आ मिलियन माइल्स और अगर वो बहुत डिस्टेंस ज्यादा है तो इससे ज्यादा मैक्सिमम इससे बहुत ज्यादा होगा मिनिमम वो कह रहा है कि एक स्टार का दूसरे स्टार से आ मिलियन माइल्स का डिस्टेंस होता है अब वो मिलियन माइल्स में फिर एक स्टार अपने जितने भी बड़े साइज के साथ मर्जी रैंडमली मूव करे वो कभी भी किसी दूसरे स्टार के करीब नहीं आता ये चीज हमने कैसे अंडरस्टैंड की स्केल मॉडल के थ्रू तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली स्केल मॉडल के थ्रू जो मूवमेंट ऑफ स्टार्स है इसके बारे में आ जाता है तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स आपके उस क्वेश्चन के आंसर में होंगे फ्रॉम दिस दिस मतलब ये जो स्केल मॉडल वाला उसने एक आइडिया दिया है इसके जरिए इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड ये बात हमारे लिए अंडरस्टैंड करना कैसे पॉसिबल है कि एक star के नहीं जाता? क्यों नहीं जाता क्या आपको मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि उनका डिस्टेंस एक दूसरे से बहुत ज्यादा है और उसमें जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना है आ मिलियन माइल्स जिन पॉइंट को मैं रिपीट कर रही होती है इसका मतलब ये होता है कि आप इनको एग्जैक्ट फिगर के साथ अपने शॉर्ट आंसर में प्रेजेंट करें और इस तरह अपने कॉन्सेप्ट को ऑथेंटिक वे में अपने शॉर्ट आंसर्स में प्रेजेंट करके टू आउट ऑफ टू मार्क्स लेने के आप काबिल हो जाएं चलिए नेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं आई होप सो आपको साइज एंड नंबर ऑफ स्टार्स का भी पता चल गया इसके अलावा डिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ स्टार्स की बात की अब हम थर्ड पैराग्राफ पे आ गए हैं इस लेसन के जो कि एक्सप्लेनेशन है टाइटल की टाइटल क्या था डाइंग सन यू नो डाई वोट डाई नॉट मीन समथिंग Come to an end, end की एंड की बात नहीं हो रही यहाँ पे डेथ का मतलब ये नहीं है कोई चीज फिनिश हो गई है एंड हो गई डिस्ट्रॉय होगी नो डेथ यहाँ पे डाई का मतलब आ रहा है ब्रेकिंग डाइंग मतलब ब्रेकिंग डिक्लाइनिंग डिकेंग ये ब्रेक हुआ अब ब्रेक हुआ क्या है सिर्फ कोई एक आध पार्ट ब्रेक हुआ है अदरवाइज आपको पता ही है हम इस वक्त लेसन पढ़ रहे हैं अपने सोलर सिस्टम अपने सन के बारे से और हमारा सन तो सारा दिन आपको पता है बाहर कितना अपनी लाइट जो है वो हमें देता है और हीट भी दे रहा है आजकल तो बहुत ही ज्यादा दे रहा है सो so वो तो नहीं हुआ बल्कि उसका कोई एक आध पार्ट है जो कि डैमेज या अफेक्ट हुआ है उसको डाइंग सन कहा गया तो हम अब उसकी डिटेल पढ़ने लगे हैं कि ये कैसे हुआ वी बिलीव फॉर दैट समू थाउजेंड मिलियन ईयर्स अगो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यानी आपने जब क्वेश्चन का आंसर देना है कि व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस तो आपने सबसे पहले स्टार्ट ही से लेना होगा कि सम 2000 मिलियन इयर्स अगो दिस रेयर इवेंट टू प्लेस टू प्लेस मतलब रेयर सेल्डम है और इवेंट किसे कहते हैं इंसिडेंट राइटर कह रहा है कि ये जो रेयर इंसिडेंट है ना कौन सा वाला कि रेयर है कि एक जो स्टार है कभी ट्रेवल करता हुआ किसी दूसरे स्टार के करीब है ये ऐसा हुआ एंड दैट अनदर स्टार विंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस स्पेसन टू कम नियर द सन ऐसा हुआ कि एक स्टार जो था वो ब्लाइंडली मूव uh, कर रहा था ब्लाइंडली मतलब केयरलेसली रेकलेसली और वॉन्ड्रिंग का वर्ड लेंगे रोमिंग की सेंस में थ्रू स्पेस हैपन टू कम नियर दान्स ऐसा हुआ कि वो सन के करीब आ गयािएगा uh, को स्टार है ये थोड़ा ट्रेवल करता हुआ करीब आ गया हमारे सन के और ये इमेज थोड़ा ब्लर तो जरूर है लेकिन मैं इसे सेंस जो देना चाह रही थी वो ये थी कि हमारे सन का साइज उस स्टार के साइज से कम था राइट जिसकी वजह से जो स्टार साइज में ज्यादा है पार में ज्यादा है उसका इफेक्ट हमारे सन पे आया हालांकि हमारे सन की भी ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल थी मगर इसका इफेक्ट बैक उस सेकेंड स्टार पर नहीं गया तो जैसे ही ये स्टार जो था ब्लाइंडली मूव करता हुआ हमारे सन के करीब आने लगा है ना तो इससे क्या हुआ इसका रिजल्ट क्या निकला जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स टाइड्स मतलब करंट्स वेव्स सर्जिस तो जिस तरह ग्रेविटेशन फोर्स इफेक्ट करती है ना सन और मून की के हमारी जो वाटर बॉडीज होती हैं जो हमारी ओशन हैं सीज हैं इनमें वेव्स बहुत हाई हो जाती हैं जैसे आपने सुनामी का पहले पढ़ा सुना है इसी तरह से आपको पता है ये जो मून का इफेक्ट होता है इसकी वजह से भी जो टाइड्स हैं ये बहुत हाई हो जाती हैं सम टाइम तो जिस तरह सन और मून जो है ये हमारी वाटर बॉडीज में अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एब एंड फ्लो क्रिएट करते हैं एब एंड फ्लो का क्वेश्चन आपने स्कूल लाइफ में कहीं ना कहीं पढ़ा है जिसको आप अगर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो मद्दोजर अकबर असगर के नाम से आपने इसको कहीं पढ़ा होगा तो जैसे वो एब एंड फ्लो क्रिएट करते हैं राइटर कहता है बिल्कुल ऐसे ही सो दिस स्टार मस्ट हैव टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन तो ये ये जो सेकंड स्टार स्टार था ना वाला है। ये ऐसे को करने के लिए किता। जिसमें हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर रहे होते हम अंडरस्टूड स्टेटमेंट ले रहे होते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो उसका ये रिजल्ट निकलेगा मतलब क्या है कि एज्यूम as, कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये लेसन जो है ये ियन और इंफॉर्मेशन पर बेस करता है तो इसकी लैंग्वेज में भी वो चीज हमें क्लियर कट मिलेगी तो मस्ट कहता मुझे पता नहीं एग्जैक्टली exactly. लेकिन ऐसा ही हुआ होगा कि जब भी सेकंड स्टार करीब आया इसने क्या किया ये जो हमारा सन था ना इसके सर्फस लेवल को अफेक्ट किया क्या अफेक्ट किया टाइड्स कि करिएट कर दी बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स विच द स्मॉल रेसिज इन आर ओशंस लेकिन हम ये जो टाइड्स थी ना सेकेंड स्टार ने जो सन पे क्रिएट किए ये हम कम्प्लीटली uh, नहीं इसको रिलेट कर सकते उन स्मॉल टाइड्स से जो सन या मून हमारे ओशंस में क्रिएट करतेव ये टाइडल वेव जो थी ये बहुत बड़ी थी बड़ी क्या थी कि यह हिस्सा सारा सन का जो इस डायरेक्शन में था ना सेकंड स्टार वाले वो मेल्ट होना शुरू हो गया था मेल्ट होकर ये एक इमेंस एक लार्ज टाइडल वेव की फॉर्म में आया सामने और फिर क्या हुआ ना सिर्फ ये रेस क्रिएट हुई बल्कि मस्ट है सरफेस ऑफ द सन इसने सन की सरफेस पर ट्रैवल करना शुरू कर दिया अब ये ट्रैवल करने का क्या मतलब है ट्रैवल करने का मतलब ये है कि जो स्टार है या सन है दोनों स्टिल तो नहीं थे दोनों मूव कर रहे थे ठीक है तो जिस जिस डायरेक्शन में वो सेकंड स्टार मूव करता चला जा रहा था वो जो टाइडल वेव थी वो भी सन के उसी सरफेस पे अपीयर हो रही थी जिस डायरेक्शन में वो स्टार था जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूँ तो सूरजमुखी का फूल होता है तो आपने कभी किया हो बचपन में हमें बड़ा शौक था था इस चीज को देखने का मज़ा आता था था, कि जो सूरज मुखी, जो सनफ्लावर है इसका जो फ्रंट पार्ट होता है ये उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में सन होता है ठीक है सूरज जिस जिस डायरेक्शन को मूव करता है उसी डायरेक्शन में वो सनफ्लावर भी मूव करता रहता है ऐसे ही ये जो सेकेंड स्टार था ये जिधर जिधर को मूव कर रहा था अगर पहले टाइडल पुल यहां पे थी तो वो इधर ट्रेवल होकर इधर है जिधर जिधर को ये स्टार जाएगा उधर उधर के हिस्से में सन पर वो टाइडल वेव जो है वो ट्रेवल यानी मूव करती चली जाएगी आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ आ गई है एट लास्ट फॉर्मिंग माउंटेन सो हाई फिर ये सेकंड स्टार आता आहिस्ता में परे होता चला जा रहा है तो ये जो टाइडल वेव थी ये इतनी बड़ी हो गई कि एक माउंटेन की फॉर्म में आ गई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट हम इतना बड़ा माउंटेन अपने माइंड में इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि इस Uh, अर्थ पर जितने भी ये माउंटेन है हाईएस्ट भी देखें माउंट एवरेस्ट है केटू है तो वो सब इंसान जो है उन उसको उस लेवल तक टच कर चुके हैं उनकी पीक तक मतलब वो फिर भी हमारी कैलकुलेशन एस्टिमेशन या हमारी एक्सेस में ये इतना बड़ा माउंटेन था कि इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं की जा सकती वी कैन हार्डली इमेजिन इट

द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर जो मेल्ट होने के बाद यहाँ का माउंटेन यानी टाइडल पुल थी वो हायर एंड हायर वो पहले से ज्यादा बड़ी होनी शुरू बिफोर द सेकेंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन और फिर जाहिर है सेकेंड स्टार मूव कर रहा है वो उस स्टार के पहले करीब आया करीब से होता वो आगे मूव कर गया जब वो इससे जरा परे हो गया मुफ्त पे गेन इल So एड कर रही हूँ थी वो सन की इस सर्फस से सेपरेट हो गई जैसे ही वो सेपरेट हुई है तो सेपरेट होने के बाद उसने आना कहां पे था स्पेस में ये हिस्सा क्या है सन सन क्या होता है स्टार क्या होता है बर्निंग फायर होती जो स्पेस होती है ये एक्सट्रीम कोल्ड होती है जैसे ही वो हीटेड ऑब्जेक्ट सन से एक उसका पार्ट एक उसकी टाइडल वेव सेपरेट हुई और वो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर स्पेस में आ गई तो उसके साथ ही क्या हुआ स्पार्क हुआ क्या हुआ ये नीचे मैं लाइन पूरी पढ़ दू आपको सो पावरफुल दैट दिस माउंटेन वॉज टॉर्न टू पीसीस ये टूट गया पीसीस में बिखर गया एंड थ्री ऑफ अब की क्या? जैसे कि बाजा कि अब आपने कोई चीज है फॉर एग्जाम्पल आपने को पैन रखा था स्टोव बर्नर पर और वो बर्न हो गई ये चीज सारी जल जाती है अब आप बाजात क्या करते हैं फौरी तौर तो पर उस बर्तन को चूल्हे से हटाते हैं पानी के नीचे ले जाते हैं जैसे ही आप टैप ऑन करते हैं पानी उस पर पड़ता है ठंडा पानी तो साथ ही क्रैक्स की साउंड आती है और अगर वो चीज ज्यादा जली हुई हो तो पैन के ऊपर उसके ऊपर लाइंस भी अपीयर होती हैं क्यों होती हैं क्योंकि जब भी आप किसी बहुत गर्म चीज को एकदम ठंडी जगह पर लेकर जाएंगे तो वो टेम्परेचर जो है उसके रिजल्ट के तौर पर उसमें क्रैक्स आएंगे ऐसा ही इस टाइडल वेव के साथ हुआ कि जैसे ही अपने वो जो ऑब्जेक्ट सन था उससे सेपरेट हुई तो जो स्पेस का टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड था उसकी वजह से ये ब्रेक हो गई इट वॉज टू पीसिस पीसिसउंड सन एवरसे चूंकि ये जो पीसिस गिरे इनमें से आप देखें जरा कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई सूर्य सन के करीब है कोई आ, उससे दूर है ये सारे के सारे जो है इन सब का जो की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वही है ना जो सन की है क्योंकि वो सन का ही तो पार्ट थे तो फिर इन्होंने क्या किया अपनी उस ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्शन की वजह से फॉर एवर एवर सन ही के गिर्द रोटेट करना शुरू कर दिया अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर ठीक है दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स इन ही को प्लैनेट्स कहा जाता है ग्रेट एंड स्मॉल किसी का साइज ज्यादा है किसी का कम है ऑफ विच आर अर्थ इज वन और इन्हीं में से एक का नेम अर्थ है द सन एंड अदर स्टारीमली हॉट ये जो स्टार्स है इनका टेम्परेचर क्या है ये एक्सट्रीमली हॉट है फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एक्सिस्ट ऑन देम इतने हीटेड ऑब्जेक्ट है कि इन पर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती लाइफ वहां पर बर्न हो जाएगी। सो नो डाउट द पीसेज ऑफ द सन वर फर्स्ट तो चूंकि ये जो प्लेनेट ये जो पीसेस थे ये भी सन से सेपरेट हुए थे तो पहले पहले तो ये भी बहुत ज्यादा हीटेड ऑब्जेक्ट थे लेकिन सन के अंदर तो नेचुरली बर्निंग प्रोसेस होता रहता है ये जो एक अननेचुरल में ब्रेक होने के बाद एक सेपरेट पीसेस की फॉर्म में गिरने वाला मैस है इनका अपना बर्निंग इफेक्ट नहीं था ना अपनी लाइट ना अपनी हीट तो पहले पहले तो ये गर्म थे लेकिन उसके बाद क्या हुआ ग्रेजुअली स्टेडीली स्लोली दे बिकेम कूलर कैसे ठंडे हो गए बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने घर में कोई चीज बनाते हैं उसको फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में जो कूलिंग uh, है उसके इफेक्ट के तौर पर वो चीज ठंडी हो जाती है तो चूंकि यहां पर भी स्पेस कोल्ड है तो ये वेरी लिटिल हीट ऑफ देअर ओन लेफ्ट अब उनकी अपनी ना तो कोई हीट है देर वॉन्थ कमिंग ऑलमोस्ट इंटायरली कंप्लीटली फ्रॉम द रेडिएशन रेडिएशन मतलब सन लाइट सन रेज द सन पोर्स I mean spread, throws on them. अब इनकी अपनी लाइट या हीट सिर्फ उतनी है लेक्चर so में हम सिर्फ इतने पॉइंट को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हाफ लेक्चर को इन शे जगह पर हम कंप्लीट करेंगे द नेक्स्ट डे आज के दिन की आई होप सो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चीजों को सही तरीके से अंडरस्टैंड करें फुल हार्डवर्क वर्क आ, किया करें ताकि आप अपने बेस्ट रिजल्ट्स ले सकें थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज